थ्री पॉट्स बुद्ध की बहुत सहज सिंपल और फेमस टीचिंग में से एक टीचिंग थी या है तीन पॉट्स की सुबुद्ध so कहते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक थ्री पॉट्स हम तीन पॉट्स की तरह उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को तीन पॉट्स में एक्सप्लेन किया जब मैंने इन तीन पॉट्स को देखा तो मैंने इसमें दो पॉट्स और जोड़ दिए तो वो पाँच पॉट्स बना दिए <laughs> और ये स्टोरी जब बुद्ध समझा रहे हैं ये टीचिंग जब बुद्ध दे रहे हैं तो संदर्भ ये है जो मैंने पहले बताया कि क्यों वेदांत बोल रहा है कि तुमने सुन लिया तो तुमने जान लिया और पा लिया और क्यों बुद्ध हर बात को तीन बार रिपीट कर रहे हैं ये कहाँ वेयर इज़ द गैप हेयर हम भी सत्य सुन रहे हैं निरंतर सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से सत्संग के माध्यम से किताबों के माध्यम से पॉडकास्ट के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से हम भी सत्य सुन रहे हैं एंड वी बिन लिस्निंग टू द ट्रूथ फॉर मेनी ईयर्स नाउ वट्स गोइंग ऑन वो सत्य हमारा रियलाइजेशन क्यों नहीं बन रहा दो चीजें हो सकती हैं एक चीज ये हो सकती है कि पूरा ज्ञान अभी हमें मिला नहीं इसलिए हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं बट हमें लगा ये अभी पूरा नहीं है तो फिर हम दूसरी किताब पढ़ते हैं दूसरा ज्ञान खोजने के लिए उसको भी पढ़ लेते हैं हमें लगा नहीं अभी भी कुछ कमी रह गई तो हम तीसरा एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि अच्छा किताब में भी कुछ बात रह गई तो तीसरा ज्ञान पढ़ते हैं तीसरा ज्ञान सुनते हैं फिर हम गीता पढ़ते हैं फिर हम वेद पढ़ते हैं फिर हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं सो फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ज्ञान टू दी अनदर फॉर्म ऑफ ज्ञान वी आर कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्बिंग एक्यूमुलेटिंग हम ज्ञान को कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट सत्य पकड़ में क्यों नहीं आ रहा अभी तक सो so दो ही रीजन हो सकते हैं कुछ ज्ञान हमें मिला मुझे पूरा ज्ञान ही अभी तक नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूँ खोज रहा हूँ ग्रंथों में यूट्यूब पे किताबों में या जो ज्ञान पा रहा है उसमें कुछ कमी है विच मीन्स अगर मैं पात्र हूँ तो मैं ज्ञान पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ पात्र में कमी है नहीं तो एक गीता बहुत है सत्य को जानने के लिए एक बुद्ध का वचन बहुत है सत्य को जानने के लिए एक नानक का कीर्तन बहुत है सत्य को जानने के लिए बट हो नहीं रहा

दर्ड इन द पॉट अब तुम इसमें अमृत तो स्टोर नहीं कर सकते हाँ क्योंकि वो मैला हो जाएगा खराब हो जाएगा वट डज इट मीन बुद्ध इज वेरी साइंटिफिक इंजीनियर हैं बुद्ध एक तरह से देखे तो आर्टिस्ट भी हैं इसीलिए बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये एक व्यक्ति है जो जिसमें महान इंजीनियरिंग घटी और जिसमें महान कला भी घटी पॉट इज नॉट क्लीन विच मीन्स प्रैक्टिकल डे में प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सत्य रिसीव हुआ सुना समझा देखा जाना मगर मेरे भीतर कुछ रॉन्ग नोशंस बने हुए हैं उन रॉन्ग नोशंस ने इस प्योर सत्य को करप्ट कर दिया दिस इज हाउ रिलीजन आर फॉर्मड एक बुद्ध एक कृष्ण एक मोहम्मद एक नानक एक प्योर स्पिरिचुअल ज्ञान लेके हम सबके साथ बाँटते हैं बट हमारे पॉट उतने क्लीन नहीं होते तो हम उनके ज्ञान को अपने रॉन्ग नोशंस के साथ मिक्स करके एक बड़ा अलग सा कंकॉक्शन सा बना देते हैं इट गेट्स करप्टेड, रादर इट गेट्स पॉइजनस शायद यही रीज़न है पृथ्वी पे आज तक जितनी भी युद्ध हुए उसमें से शायद मेजोरिटी युद्ध धर्म के नाम पे हुए क्योंकि वो सत्य को रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से देखा गया क्योंकि पॉट क्लीन नहीं था अक्सर बहुत सारे दोस्त ऐसा जानते मानते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सन्यासीज एंड सीकर्स एंड साधक बी अटेंटिव ऑन दिस मैंने अक्सर बहुत सारे मित्रों के मुंह से ये वचन सुना है कि सन्यास ले लिया आई एम ऑन अ सर्टेन जर्नी एंड नाउ द गुरु विल डू इट इनफैक्ट कली एक मित्र का मैसेज आया और उसमें ऐसा साफ साफ लिखा उन्होंने गुरु विल डू इट और ये धर्मशाला में विच इज़ ऑल्सो द सीट ऑफ टिबेट एन बुद्धिज्म तो होलीनेस दलाई लामा यहाँ से बहुत दूर नहीं रहते ही लिव्स नियर बाय साल में एक बार उनकी टीचिंग्स होती हैं पब्लिक टीचिंग्स तो बहुत सारी तिब्बत तिब्बतन कम्युनिटी के लोग भी जाते हैं उन टीचिंग्स को सुनने के लिए एक बार मैं भी गया वो देखने के लिए आई वॉज सरप्राइज वट आई सॉ देर टिब्बेटन कम्युनिटी के सारे लोग जो दलाई लामा को बुद्ध मानते हैं और वहां दलाई लामा सीट पर बैठ के ज्ञान शेयर कर रहे हैं बांट रहे हैं ज्ञान वर्षा हो रही है ज्ञान की और ये बहुत सारे लोग जाते हैं दूर से ही वो दंडवत प्रणाम करते हैं दैट्स हाउ द कल्चर इज तो वो तीन बार या पांच बार ऐसे दंडवत प्रणाम करके लेट के प्रणाम करते हैं दलाई लामा को और एक वाइट कलर का स्काफ़ होता है वो उनकी फोटो या मूर्ति पे डालते हैं और वो पूरी फैमिली बच्चे बच्चे सब आए होते हैं और वहां प्रवचन चल रहा है और यहां पीछे बैठ के मूंगफली खाते हैं अपनी आपस की बातें करते हैं और अगर उनसे आप पूछो कि हाउ विल यू अटेन बुद्धा आई हैव डीप ट्रस्ट इन दलाई लामा ही इज द बुद्धा ही विल डू इट डजेंट वर्क लाइक दैट सो सत्य में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर जब कुछ मित्रों की ये अंडरस्टैंडिंग मैंने ठीक करने की कोशिश की कि नो नो इट डजेंट वर्क लाइक दैट यू हैव टू डू योर ओन थिंग सो लॉड ऑफ दिस पीपल देन स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द गुरु जैसे ओके अगर खुद ही करना है <laughs> तो फिर गुरु की क्या जरूरत फिर तो खुद ही कर लेंगे हा? फिर किसी के आगे नतमस्तक होने की क्या ज़रूरत तो पहले रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस एक्सट्रीम पे थी अब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग उस एक्सट्रीम पे गई बट बोथ केसेस में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ही रही सो नो मैटर वट द सत्य कम्स ट्रुथ कम्स द पॉट इज नॉट क्लीन हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इस तरह के अपनी धारणाओं अपनी नोशंस के बेसिस पे हम सत्य की मिलावट कर लेते हैं अपनी धारणाओं से वी डो नॉट लुक एट द ट्रुथ एज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ विदाउट ब्रिंगिंग आर ओन प्री कंसीव्ड नोशन और कंडीशनिंग योग ने इसको बोला चित्त वृत्ति कि सत्य तो है चारों तरफ व्यापक बट चित्त में वृत्तियां हैं माइंड इज नॉट प्योर इनफ टू होल्ड इट टू रिसीव इट तो बुद्ध भी वही बोल रहे हैं योग पतंजलि भी वही बोल रहे हैं पतंजलि ने उसको नाम दे दिया चित्तवृत्ति बुद्ध ने बोला दॉट इज नॉट क्लीन सेम थिंग हाउ डू वी क्लीन दिस स्पॉट हाउ डू वी क्लीन दिस स्पॉट आई है सेट की मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग नोशन और धारणाएं जो सत्य को में मिलावट कर रही हैं सो वट नीड्स टू बी डन द माइंड नीड टू बी प्योरीफाइड वट डज दैट मीन माइंड के मूवमेंट्स है माइंड के मूवमेंट और माइंड की कंडीशनिंग और माइंड के एक्मुलेशन को चित्त की वृत्तियां बोला जाता है तो इफ यू रियली सी विद इन योर ओन सेल्फ अगर आपको लगता है कि आपका पॉट इज नॉट ट्रूली टोटली क्लीन देन फोकस ऑन दिस वट इज नॉट क्लीन इन साइड अश और वट इज इट दैट मेक्स द पॉट नॉट क्लीन इज एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द माइंड एंड एक्सेसिव एक्क्यूमिलेशन ऑफ द माइंड मूवमेंट ऑफ द माइंड एंड एक्यूमलेशन ऑफ द माइंड इस मूवमेंट और एक्यूमलेशन से माइंड में दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं दो विकार पैदा हो जाते हैं जिन विकारों को बोले अट्रैक्शन और रिपल्शन मैं कुछ चीज़ों को प्रिय मानता हूँ कुछ चीज़ों को अप्रिय मानता हूँ बस फंस गया पॉट क्लीन नहीं रहा मैं एक गुरु को प्रिय मानता हूं मैं दूसरे गुरु को अप्रिय मानता हूं मैं एक धर्म को प्रिय मानता हूं दूसरे धर्म को अप्रिय मानता हूं मैं एक सिचुएशन की लाइफ की एक सिचुएशन को प्रिय मानता हूं दूसरी सिचुएशन को अप्रिय मानता हूं वृत्ति द वृत्ति हैज एंटर्ड इन टू द माइंड और इस प्रिय और अप्रिय के झंझट में बहुत सारी एक्यूमुलेशन कर लेता हूं मैं धारणाएं बना लेता हूं कंडीशनिंग्स फॉर्म कर लेता हूं एंड वेन आई डू दैट देन वेन आई लुक एट द ट्रूथ प्योर नेकेड आई एम नॉट एबल टू सी द नेकेड ट्रूथ मैं अपने चश्मे रंगीन चश्मे से उस सत्य को देख रहा हूँ फिर मुझे पचास हज़ार किताबें पढ़नी पड़ेंगी पचास हज़ार डिस्कोर्स सुनने पड़ेंगे पचास हजार यूट्यूब के वीडियो देखने पड़ेंगे पचास हजार गुरुओं से मिलना पड़ेगा बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे भी ज्ञान पूरा नहीं मिल रहा कहीं कहीं कुछ कमी है सो so, कमी बाहर नहीं थी कमी यहाँ थी द पॉट नीड्स टू बी क्लीन सो एक साधक के लिए दीज आर दूत्राज अगर आप मुझसे पूछें क्या करें आई एम गिविंग यू टू डू टू डे टू डू लिस्ट दिस नीड्स टू बी डन टू मेक योर पॉट क्लीन एंड प्योर अगैन